नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। हम भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रथम दो भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर लिया, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या थार का मरुस्थल, और दूसरा था अपना अरावली या मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। इन दो पे हमने चर्चा कर ली थी। आज जो हमारा नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें आपको ये जो क्षेत्र था, इसमें ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल जिसको थार का मरुस्थल कहा था, ये अरावली या मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में जाना। आज जो है वो है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान राज्य का, तो इसको लेकर के आज चर्चा कर लेते हैं कि देखिए इस पूर्वी मैदान की बात करते हैं तो इसका जो संपूर्ण राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 23%। क्षेत्रफल तो कितना इसके पास में, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के पास में है 23%। और इसमें जो जनसंख्या रहती है, जनसंख्या जो निवास करती है वो राज्य की 39%, कुछ बुक में 40% भी है, 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो ये देखने लायक बात है कि एक तरफ था 61% भूभाग राज्य का जिसमें सिर्फ 40% जनसंख्या निवास करती है, और दूसरी तरफ एक भूभाग ऐसा है या एक भौतिक प्रदेश ऐसा है जिसमें 39% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन दोनों का जो एरिया है उसमें काफ़ी अंतर है। एक तो 61% क्षेत्र पर 40% जनसंख्या निवास करती है, और एक है कि सिर्फ 23% क्षेत्र पर 39% जनसंख्या निवास करती है। तो इन दोनों में जो अंतर है या डिफरेंस और इस प्रकार का क्यों है, ये कारक है या नियंत्रक कारक आप कह सकते हैं, और ये प्राकृतिक रूप में है क्योंकि प्रकृति ने इस प्रकार की दशाएं व्याप्त की तो वहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि ये स्थलाकृतिक दृष्टिकोण से भी मनुष्य के या मानव के या निवास के योग्य क्षेत्र है। दूसरा, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र अच्छा है, मुख्य रूप से कृषि के लिए, और ये मैदानी भाग होने के साथ साथ में यहाँ उपजाऊ मृदा भी पाई जाती है, यहाँ जल संसाधन रिसोर्सेस भी पाए जाते हैं, यहाँ परिवहन की सुविधा भी अच्छी है। तो ये सारे कारक मिलकर के इस प्रकार से इस जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए इतने कम क्षेत्रफल पर इतनी अधिक जनसंख्या निवास करती है, फैक्टर है। अब हम बात कर लें कि इसमें कौन कौन से ज़िले मुख्य रूप से आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो इसमें देखो, जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक तथा अलवर, अजमेर व बांसवाड़ा के कुछ भाग इसमें, ये ज़िले करीब करीब आते हैं, और कुछ ज़िलों के कुछ भाग इस पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ की हम वर्षा की अगर बात करते हैं
लगभग वर्षा इस क्षेत्र को कितनी प्राप्त हो जाती है? तो लगभग 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र को वर्षा प्राप्त होती है। कुछ बुकों में 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का जो वर्षा का वितरण दे रखा है कि इतना इसमें पाया जाता है, इतना इतनी सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है, क्या जलवायु, जलवायु है आर्द्र। आप अगर पश्चिम से चलते आ रहे हैं, पश्चिम से अपन वर्षा के बाद या जलवायु के बारे में है, तो यहाँ शुष्क जलवायु, ठीक है। इसके बाद में अपन अर्ध शुष्क जलवायु, जिसको बांग्ला प्रदेश कहा था, अर्ध शुष्क। और अब जैसे ही हम इधर आ रहे हैं अरावली के पूर्वी भाग में, और ये जो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये कैसी बताई, आर्द्र जलवायु। तो यहाँ ये जो क्षेत्र है, जिस प्रकार से वर्षा और टेम्परेचर के आधार पर अपने आप में जलवायु को भी ये निर्धारित कर लेता है। यहाँ अगर मृदा का रूप देखें तो यहाँ देखो जलोढ़ और उसके साथ में एक दोमट। जलोढ़ मृदा तो आपको पता ही है, क्योंकि इस मैदान का जो निर्माण है वो नदियों के प्रवाह से हुआ है, इसलिए मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा तो यहाँ पाई ही जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ दोमट मिट्टी भी मिलती है। अगर यहाँ की जो मुख्य उपज है इस क्षेत्र की या इस प्रदेश की जो मुख्य उपज है, जो गेहूँ, चना, गन्ना, कपास और तिलहन, ये इस प्रदेश की मुख्य उपजे हैं, जो गेहूं, गन्ना, चना, कपास आदि। तो ये इस क्षेत्र में देखिए जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, और जलोढ़ मृदा जल के साथ में बह कर के आने वाली होती है। नदियों का ये बेसिन क्षेत्र है, तो मुख्य रूप से यहाँ जो नदी बेसिन क्षेत्र भी हैं, तो उसी नदी बेसिन क्षेत्रों की वजह से यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बाकी यहाँ दोमट मृदा भी पाई जाती है। दोनों ही कृषि के लिए उपयुक्त मृदाएं हैं। इसके बाद में देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है कौन सा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये अरावली के पूरब में, अरावली के पूरब से या पूरब में, यहाँ से ये प्रारंभ होता है और ये चला जाता है गंगा, यमुना, दोआब तक। कहाँ तक, गंगा, यमुना, दोआब तक प्रारंभ में। ठीक है, ये जो दोआब है, दो नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है, पूरे विस्तार की अगर बात की जाती है, राजस्थान में तो है ही है, लेकिन अगर राजस्थान से बाहर की हम बात करते हैं तो इधर से गंगा और इधर से यमुना, ये नदियाँ इसके उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ तक इसका विस्तार है। तभी हम कहते हैं कि इस पूर्वी मैदान का विस्तार गंगा यमुना नदियों के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में कब बात कर लेते हैं कि यहाँ राज्य में अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ, तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी, बनास और इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ का ये प्रवाहित होती हैं इस क्षेत्र में मुख्य रूप से। और अगर इस पूरे क्षेत्र में बेसिनों की अगर बात की जाए, कौन से, मैदानी, पूर्वी मैदानी प्रदेश में
अगर बेसिनों की बात की जाए तो मुख्य रूप से तीन बेसिन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है चंबल बेसिन, देखो आराम से इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। नंबर दो बनास बेसिन या बनास बाण गंगा, बनास बाण गंगा, ठीक है, बनास बाण गंगा, चंबल बेसिन, बनास बाण गंगा, और एक है मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। तो इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में तीन जो बेसिन है वो पाए जाते हैं। इसका मतलब है तीन नदियां हैं, इन तीन नदियों का क्षेत्र है। इसमें है चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और एक है मध्य माही बेसिन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई इस क्षेत्र में अगर चंबल नदी बहती है, चंबल नदी प्रवाहित होती है, तो उस चंबल नदी की जब वो धरातल पे चलती है तो कुछ एक विशेषताएं छोड़ देती है। अगर हम उन विशेषताओं की बात करें तो एक है यहाँ चंबल बेसिन में, है ना, किसमें? चंबल बेसिन में, ठीक है। जब चंबल नदी बहती है तो वे क्या करती है, गहरे खड्डे बना देती है। क्या बना देती है? गहरे खड्डे बना देती है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, खादर। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ये कुछ एक मीटर गहरे खड्डे बन जाते हैं जिनको स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। एक नाम और आता है जिसको डांग, क्या कहते हैं, एक डांग क्षेत्र और है। इसमें क्या होता है कि इसी क्षेत्र में जो ऊबड़ खाबड़ और बीहड़ इस प्रकार की जो भूमि होती है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ और बीहड़ इस प्रकार की जो भूमि होती है इस क्षेत्र में, उसको कहा जाता है डांग, ठीक है। तो ये दो नाम इसके साथ में जुड़े हुए थे कि स्थानीय भाषा में गहरे खड्डे बन जाते हैं तो उन्हें कहते हैं खादर, और ऊबड़ खाबड़ जो भूमि होती है और उसके साथ में जो बीहड़ लगे होते हैं उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डांग। तो ये वहाँ के स्थानीय नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक बात और कर लेते हैं कि जो माही बेसिन है, देखिए इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है एक माही बेसिन। इसकी कुछ विशेषता है तो उसको अपन देख लेते हैं कि ये जो मुख्य रूप से इस माही बेसिन के अंतर्गत जो उदयपुर उदयपुर जो जिला है उसका तो आता है लगभग दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है, और एक आता है बांसवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग था लेकिन यहाँ प्रतापगढ़, ठीक है। ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत माही बेसिन का क्षेत्र आता है, और ये जो इनके बीच का जो क्षेत्र है एक इसी भाग का एक छोटा मैदान है, छोटा मैदानी भाग है, और इसमें माही और इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो ये जो इस माही और माही की सहायक नदियाँ जो बहती हैं तो उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग है और बांसवाड़ा प्रतापगढ़, इस क्षेत्र में इसी के द्वारा बना एक छोटा मैदान है, और इसी भाग को क्या कहते हैं, छप्पन बेसिन या मैदान, छप्पन बेसिन या मैदान। अब इसके बारे में कहा जाता है भाई छप्पन छप्पन जो ग्राम है उनका यहाँ समूह है, एक तो 56 ग्रामों का यहाँ समूह है, या यहाँ 56 जो नाले हैं, नदी नाले हैं, वो यहाँ प्रवाहित होते हैं। इसलिए जो माही बेसिन है, माही नदी और इसकी सहायक नदियाँ मिलकर के एक बेसिन का निर्माण करती हैं, और ये बेसिन कहाँ है,
उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उस पर प्रभावित है, बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है इसमें और प्रतापगढ़ का, ये बताया गया। ठीक है, तो वहाँ छप्पन का बेसिन कहा या छप्पन का मैदान कहा। अब उसमें छप्पन एक काउंटिंग शब्द है, तो इसमें या तो छप्पन ग्राम समूह वहाँ हैं, और बताया गया कि छप्पन नदी नाले हैं वहाँ प्रवाहित होते हैं, तो इसलिए उस क्षेत्र को छप्पन का बेसिन या छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि माही बेसिन है, माही नदी से संबंधित है, और ये उदयपुर का जो दक्षिणी पूर्वी भाग बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में छप्पन का मैदान या छप्पन बेसिन स्थित है। इसके बारे में कभी पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। एक आता है इसमें नेक्स्ट, एक और विशेषता है इधर वागड़ प्रदेश। ठीक है, वागड़ प्रदेश, ये वो जो वागड़ प्रदेश है, ये क्या है कि कई बुक में इधर बांगड़ थोड़ा सा शब्द में ही फर्क पड़ जाता है, बाकी ये जो क्षेत्र, क्योंकि बांगड़ जो क्षेत्र या प्रदेश के नाम से शेखावाटी रीजन को बताया गया था, तो यहाँ जो वागड़ प्रदेश की बात आती है, तो देखिए मुख्य रूप से जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और वह डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इसमें इनके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन जिलों के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको, इन पहाड़ी क्षेत्रों को, इन जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों को किस भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वागड़। अब पूछ ले भाई वागड़ क्षेत्र किस में है, तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको स्थानीय भाषा में वागड़ कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक और है यहाँ कांठल, कांठल का मैदान, कांठल का मैदान, ठीक, ये कांठल का मैदान जो क्या है, माही जो नदी है, माही नदी के तो किनारे बताया गया है, जिसके माही नदी के किनारे कहाँ, इसमें प्रतापगढ़ का संपूर्ण भाग शामिल किया गया है। प्रतापगढ़ का संपूर्ण जो भूभाग है उसको किसमें, कांठल का जो मैदान है इसमें शामिल किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, जो लास्ट का आपका दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, हाड़ौती पठार को लेकर के हम बात करेंगे, और मुख्य रूप से ये जैसे ही आपके चार भौतिक प्रदेश पूरे होते हैं, तो इन चारों भौतिक प्रदेशों के कुछ जो तथ्य अगर छूट रहे हैं, और उनको एक आपके पर्सन के रूप में, मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन तथ्यात्मक आपको वो पूरा का पूरा दे दूंगा, ताकि आप भौतिक प्रदेश से अगर कभी भी कोई प्रश्न आता है तो वो आपसे छूटे नहीं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।